हमारे कॉन्फिडेंस जो है, जब तक हम अपने खुद एतमाद, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट अपने आप को देने में, और हमें गर्व होना चाहिए, आई कैन डू समथिंग। आमिर साहब ने आपको स्पीच दिया, आई कैन डू समथिंग। जब तक ना आप ये मादा पैदा करोगे, यू कांट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग इज दैट, आप में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। क्रिएटिविटी जब हमें तकलीफ आ जाती है, आपने देखा होगा इंसान ने परवाज किया, किसमें? आसमान के अंदर। आपने देखा होगा आज चंद्रयान चला गया, कहां चला गया? वो चांद पे चला गया। इट इज बिकॉज ऑफ दिस क्रिएटिविटी। आप देख सकते हैं हमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आप देख सकते हैं हमें कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, आप देख सकते हैं हमारे पास एक और मादा होने, कम्युनिकेशन। इफ वी आर लैकिंग कम्युनिकेशन बिकॉज अवर स्टूडेंट्स दे आर हैविंग दिस लैक ऑफ दिस कंपोनेंट, दे कांट कम्युनिकेट विद ईच अदर, दे आर नॉट कन्वर्सेशन विद ईच अदर। यू विल लर्न दिस लैंग्वेज, आई ऑलरेडी टोल्ड, बिकॉज लैंग्वेज जो होती है इसको हम काट करते हैं, इसको हम टॉट नहीं करते। बिकॉज जब एट्थ क्लास से बच्चा निकलता है, फिर उसको 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 जबान ही नहीं आती, कोई जबान नहीं आती, वेदर इट इज अ फारसी, बच्चे उर्दू, बच्चे इंग्लिश, कश्मीर, जो भी है, those languages are here, we are having the tremendous language here, sas with the language, but aaj koshish kare zitre zaban par kisko hold kar sakte. Jab aap foreign mein chale jaoge, wahan par aapko andaza ho jayega is cheez ka ki language ka kya important hai. To gumro literacy jo hai, main isi baat pe aana chahunga, jo aap mein jo skills hai, first thing reading, writing and third arithmetic, hum so three cheez ka san tagin jin sath so learning outcome che atmos gaise iska complete target. To government ka bhi mission ye hai, and I am the gr of the Nippon Bharat mission. हमारा भी यही टारगेट है कि ये जो हमने टारगेट रखा है 2027 तक हमारा टारगेट है, वी विल अचीव दिस टारगेट। एंड हमारी जो कंट्री जो है, हर कंट्री में डेवलपमेंट होगी, इट इज बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी। तो थैंक्स वाले।